आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शनिवार को दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ सभागार में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह संगोष्ठी आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आयोजित है। उन्होंने बताया कि आचार्य भगवती प्रसाद सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य तथा साहित्य के क्षेत्र में अनेकों महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को आचार्य भगवती प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि है, जिसको देखते हुए दो दिवसीय संगोष्ठी 9 जनवरी और 10 जनवरी को आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के जीवन पर प्रकाश डालना तथा उनकी विचारधाराओं से छात्र एवं छात्राओं को अवगत कराना है। उन्होंने बताया कि इस संगोष्ठी में विभिन्न विश्वविद्यालय के 80 से ज्यादा प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर केसी लाल द्वारा लिखित आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के जीवन पर लिखित पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आचार्य विश्वनाथ तिवारी, प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, कृष्ण चंद्र लाल तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद गुप्ता सहित अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा। महासचिव डॉक्टर कृष्ण चंद्र लाल जी, डॉक्टर सदानंद प्रसाद शुक्ल जी, डॉक्टर शैलेंद्र विशेष अतिथि डॉक्टर कृष्ण चंद्र डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्राचार्य दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का एक साहित्य केंद्र गोरखनाथ साहित्य केंद्र गोरख दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में स्थापित है और दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आचार्य भगवती प्रसाद सिंह व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आयोजित की जा रही है। ये आज गौरव का क्षण है। भगवती प्रसाद सिंह जी न केवल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य रहे, बल्कि हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह हम भुला नहीं सकते। और 10 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है, 10 जनवरी को, इस कारण हम लोगों ने इसको 9 और 10 जनवरी को संगोष्ठी रखा है। और इस बहाने हम सभी उस महामानव को याद भी करेंगे, उनके द्वारा जो भी योगदान दिया गया है उसका भी ध्यान करेंगे, कुछ अन्य विषयों पर भी विमर्श होगा।
आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आचार्य विश्वनाथ तिवारी जी, अध्यक्षता कर रहे हैं आचार्य रामदेव शुक्ल जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृष्णचंद लाल जी, जो ये सभी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं, और उनके साथ ही मंच पर उपस्थित हैं प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के इस सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के, विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग 80 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, और यह संगोष्ठी 4 सत्रों में आयोजित है। आज 2 सत्र है और 10 तारीख को भी 2 सत्र में यह संगोष्ठी आयोजित होगी, कल इसका समापन होगा। सर, पुस्तक का लोकार्पण? हाँ, केसी लाल जी द्वारा लिखित आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के जीवनी पर पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। यह इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।